Hi, welcome to my YouTube channel. Today I thought I'll come and explain you about the rhinoplasty aftercare. You must be seeing lot of videos being uploaded on YouTube. But इसके पीछे जब ये लोगों को मैं अपने क्लिनिक में देखती हूँ, जो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, जो वो बोलते हैं और कैसे हीलिंग होती है, शायद ये आप लोगों को ज़्यादा पता नहीं है. सो आई थॉट लेट मी कम ऑन कैमरा एंड एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. इफ यू सी, आई ऑलवेज से कि राइनोप्लास्टी जो है पेशेंस की गेम है. 7 दिन में 8 दिन में या 10 दिन में रिजल्ट नहीं आता, इसके लिए वेट करना ही करना है. और जिनकी रिविजन राइनोप्लास्टी है, मतलब जिन्होंने पहले भी नोज जॉब करवाई है, उनको 1 साल से भी ज़्यादा लग सकता है, कईयों को 2 साल भी लग सकते हैं, कईयों को 3 साल भी लग सकते हैं. स्टार्टिंग में हम देखते हैं, जब हम वीडियो या फोटोग्राफ अपलोड करते हैं, नीचे कमेंट्स आते हैं, ये नॉस्ट्रल पिचका हुआ है, माइकल जैक्सन जैसा पतला नाक है, काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं. मगर वो इसलिए होता है क्योंकि हम नाक के ऊपर एक कास्ट पहनाते हैं और वो 10 दिन के लिए कास्ट रहता है, पिंच रहता है. कईयों को वो नाक हो सकता है पसंद आए, मगर जब हम ये कास्ट निकालते हैं, बहुत सारे 90% लोग हैं जिनको लगता है हमारा नाक बहुत पिचक गया है. और जब आप ये चीज़ें YouTube पे भी देखते हैं तो काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, नॉस्ट्रल माइकल जैक्सन जैसा लग रहा है या काफ़ी ज़्यादा. लेकिन ये टेम्पररी चेंज है. अगर यही आप नोज 3 से 4 हफ्ते के बाद देखें, ये एकदम नेचुरल और नॉर्मल दिखता है. मगर हर एक का हीलिंग पीरियड सेम नहीं रहता, तो इसलिए हर एक की रिजल्ट अपने साथ कंपेयर करना इज अ लिटल अनफेयर. हर एक बॉडी का हीलिंग पीरियड इज डिफरेंट. सो हो सकता है आपका हीलिंग पीरियड डिलेड हो, मगर सबकी हीलिंग हो जाती है और आपकी हीलिंग भी हो जाएगी. लेकिन अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, आपकी बॉडी में स्ट्रेस हॉर्मोन्स पैदा होते हैं जिसकी वजह से हीलिंग और डिले हो जाती है और स्वेलिंग जाने में और लंबा वक्त लगता है. अब हम आपको बताएंगे कैसे स्टार्टिंग में जो नोजेज हैं, अगर आप ये नोज देखें, स्टार्टिंग में जब हमने इसका कास्ट निकाला, आप देखेंगे थोड़ा ऊपर से टेढ़ा मेढ़ा भी लग रहा है और नॉस्ट्रल्स बहुत पिंच्ड और स्क्वीज लग रहे हैं. मगर यही नाक अगर आप देखें 14 दिन में एकदम बढ़िया दिख रही है, ज़्यादा स्क्वीज नहीं दिख रही, हल्की सी स्वोलन दिख रही है. स्टार्टिंग में जो लोग कंप्लेन करते हैं हमारी नाक बहुत पतली लग रही है, वही लोग 3-4 हफ्ते के बाद बोलते हैं हमारी नाक मोटी लग रही है. लेकिन लेट मी टेल यू, ये जो नाक मोटी होती है ये स्वेलिंग की वजह से होती है. और वी डिसाइड वेदर यू वुड नीड नाइट टेपिंग और नाइट स्प्लिंटिंग टू कंटेन दैट स्वेलिंग. दैट इज़ वाई वी रिक्वेस्ट यू टू सेंड योर पिक्चर सो दैट वी कैन गाइड यू. तभी आपने देखा होगा मेरे ऑफिस से जो आपको कॉल्स आते हैं, वो इसलिए आती हैं कि आप प्लीज़ अपनी फ़ोटोग्राफ भेजें. ये सब फोटोग्राफ मुझे दिखाई जाती हैं हीलिंग पीरियड के दौरान, ताकि आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है हीलिंग को बेटर करने के लिए, हम आपको गाइड कर सकें ताकि आपकी हीलिंग परफेक्ट और बेस्ट हो. अब यही बात करते हैं नोज़ की सर्जरी के डिफरेंट हीलिंग एस्पेक्ट्स की. बहुत लोग मैंने देखा है इम्पेशेंट हो जाते हैं, 2-3 महीने ही उनका हो जाता है, कब ठीक होगी कब ठीक होगी. हर वीडियो में मैं बताती हूँ 1 साल लग जाता है, तो आप सबको 1 साल वेट करना ही करना है. जो छोटे मोटे इश्यूज हैं नॉस्ट्रल एसिमेट्री के, वो भी वेट करके 1 साल में काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज और सिमेट्रिकल हो जाते हैं. और जिनकी थिक स्किन रहती है, ब्रॉड नोजेज रहते हैं, खासकर वो लोग ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा. थिक स्किन, ब्रॉड नोजेज, उनका रिजल्ट 1.5 साल लग जाता है आने में. अगर आप देखें, आई एम गोना शो यू पिक्चर्स जिनके ब्रॉड नोजेज हैं. अगर इतने ब्रॉड नोजेज पतले और स्लिम लग सकते हैं, तो आपका नोज भी लगेगा. हैव पेशेंस, डोंट बी इम्पेशेंट. मैंने देखा है बहुत सारे लोग इम्पेशेंस में आके अपनी ही नुकसान कर खुद कर लेते हैं. जैसे कि लेट्स से एट 3rd मंथ सम पीपल थिंक, ओ मेरा नाक तो खराब हो गया, बॉच हो गया, हमें फिर से रिविजन सर्जरी करानी है, तो इधर उधर डॉक्टर्स के पास जाके गलत राय लेके वो अपनी सर्जरी फिर से करा लेते हैं. जो चीज़ नॉर्मली ठीक होनी थी, उसमें आप फिर से कोई इंटरवेंशन करके उसको खराब कर देते हो, तो नुकसान इसमें आपका है, किसी का नहीं, ना मेरा है, ना उस डॉक्टर का है, ना कि बीच में 10 लोग जो बोलते आ रहे हैं तुम्हारी नाक तो खराब लग रही है, उनका भी नुकसान नहीं है. क्योंकि जब हम कंसल्टेशन लेते हैं, जो आपके
करीबी लोग हैं वो आपके साथ नहीं बैठे, उन्होंने नहीं सुना कि स्टार्टिंग में स्वेलिंग होती है, नोज हल्की फुल्की एसिमेट्रिकल लग सकती है, ये सिर्फ आपको पता है। और अगर आप घर में जाते हैं, घर के लोग ये कमेंट कर देते हैं कि अच्छी नहीं लग रही, अभी थोड़ी खराब है, तो यू शुड नॉट टेक इट टू हार्ट, बट यू नो दैट द डॉक्टर हैज टोल्ड यू that it is gonna heal, it's gonna just take time, close to one and a half year, but eventually you're gonna get good shape. अभी हम पीछे example देंगे, मेरे पीछे play करते रहेंगे, वो noses ध्यान रखें कि जिनका one year में perfectly heal किया है nose, इसमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो starting में काफ़ी complain किए, हो सकता है Google पे जाके negative review भी लिखे होंगे, मगर बाद में एक डेढ़ साल के बाद आके बोला कि हाँ डॉक्टर अब हमें हमारे नाक अच्छी लग रही है। मगर वो चीज करने का क्या फायदा जब आप एक ऑफिस में इतना परेशान कर दो लोगों को कि नहीं गूगल पे जाके इमीडिएटली 3-4 महीने में रिव्यू लिखो, हमारी नाक अच्छी नहीं आई, ये हो गया वो हो गया, फिर आप डेढ़ साल के बाद आके डॉक्टर को बोलते हो नहीं आई एम सॉरी मेरी नाक बहुत अच्छी आई है। ये चीजें आप तक पहुंचाना इसलिए जरूरी है ताकि आप वो गलती ना करें जो बाकी लोग करते हैं। इफ यू हैव गॉट द ट्रीटमेंट डन ऑन सम फेथ, हैव मोर फेथ एंड वेट फॉर एटलीस्ट वन एंड अ हाफ इयर्स फॉर योर रिजल्ट टू शो अप। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन दीज नंबर्स, आवर मैनेजर्स वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू, एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट द प्राइसेस प्लीज विजिट आवर वेबसाइट, आवर इंस्टा पेज एंड चेक द रिजल्ट्स ऑफ आवर पेशेंट्स।